हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्थवर्क मेजरमेंट फॉर बिलिंग। बिलिंग में अर्थवर्क की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर और किस तरह करते हैं, ठीक है। तो मेन आइटम हमारे कौन कौन से हैं? तीन आइटम मेन होते हैं हमारे। पहला होता है एग्जीबिशन, दूसरा होता है बैकफिलिंग, तीसरा होता है डिस्पोजल, ठीक है। एग्जीबिशन, जो मिट्टी आपने एग्जीबिट करी है वो बैकफिलिंग, जो कॉलम और आपकी राफ्ट कास्ट होने के बाद बैकफिलिंग करते हैं। फिर आता है डिस्पोजल, मतलब जो आपकी सॉइल फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉइल बच जाती है उसे कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम डिस्पोजल बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे रहता है इसका, फॉर बिलिंग का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं। और ये टोटल आपकी क्वांटिटी निकलती है मीटर क्यूब में। इसमें यूनिट रहती है आपकी किस में, मीटर क्यूब में रहती है, मीटर क्यूब में यूनिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट। और आपको क्वेश्चन नंबर दो पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ विल। दो तरह के विल होते हैं, एक होता है आरए विल, ठीक है, और सेकेंड होता है आपका रनिंग विल। आरए विल जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया वो, और जब फाइनल बिल, जब सारे आपका काम कंप्लीट हो जाता है आइटम के अकॉर्डिंग, तो आपका फाइनल बिल सबमिट कर दिया जाता है। फाइनल बिल सबमिट करने के बाद फिर आप दूसरा बिल कोई भी सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरह हम करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एक मेरी ये फुटिंग मैंने एक ले ली है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है आपकी 4.5 मीटर × 4.5 मीटर × 0.5, यानी कि इसकी आपकी लेंथ और ब्रेथ 4.5 मीटर है और हाइट इसकी है 0.5 मीटर, यानी कि हाफ मीटर है, ठीक है। और आपका इसका हम कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, तो आप जब इसका एग्जीबिशन करेंगे, मान लीजिए फुटिंग आ रही है, तो आप इसका एग्जीबिशन करेंगे तो ऑफसेट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 500 mm का इधर ऑफसेट दिया हुआ है, इधर भी 500 mm का ऑफसेट दिया हुआ है। बेसिकली इसकी कंडीशन काफ़ी होती है, इसके बारे में वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, किस तरह से क्या क्या हमें करना पड़ता है। जैसे 1 मीटर के लिए हमें कितना ऑफसेट देना पड़ता है, फिर हमें आपका 1 मीटर से हम ऊपर जाएंगे तो हमें कितना ऑफसेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एग्जीबिशन करा JCB से, ठीक है, इसमें आपको ड्रेसिंग आ जाती है, ठीक है, कॉम्पैक्शन आ जाता है, ATT वगैरह सब आ जाती है इसमें, तब इस पर ऊपर PCC होती है। तो 3 मीटर की आपने ये आपकी डेप्थ हो गई, ठीक है, मेरी जो आपकी लेंथ और ब्रेथ दिए हुए 0.5, तो मैंने इसमें आपका 500 mm इधर जोड़ दिया, 500 mm उधर जोड़ दिया, तो मेरी ये कितनी हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 5.5। तो ये 5.5 लेंथ और ब्रेथ 5.5, और ये मैंने ले लिया है आपका 3, यानी कि हाइट। ये एग्जीबिशन का बता रहा हूँ मैं, ये एग्जीबिशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो एग्जीबिशन करा है, और फिर हमने इसका ये ले लिया है, ठीक है, और इसकी हाइट ले ली है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, एग्जीबिट जो करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 90.75 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपकी सॉइल एग्जीबिशन हुई है। अब बैकफिलिंग हम कैसे निकालते हैं, हमें इसका क्वांटिटी निकालना पड़ेगी। पहले तो हम PCC की क्वांटिटी लगा लेंगे, फिर हम कॉलम की क्वांटिटी लगा लेंगे, ठीक है, फिर हम फुटिंग की क्वांटिटी लगा लेंगे। ये तीनों की क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे, और जो हमारे टोटल एग्जीबिशन है उसमें से हम घटा देंगे तो हमारी बैकफिलिंग की क्वांटिटी आ जाएगी, हमें कितना बैकफिलिंग करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो PCC के लिए मैंने, ये फुटिंग का फेस होता है 75 mm आउट होती है आपकी PCC, इधर से 75 mm और इधर से 75 mm, ठीक है। तो मैंने इसमें फुटिंग का जो साइज़ है उसमें आपका PCC की जो है ऐड कर दिया ये वाला इधर से, तो आपका 75 mm इधर से और 75 mm इधर से, 150 mm इसमें ऐड कर दिया 4.5 में। तो मेरा ये आ गया है 4.65 × 4.65 × इसकी आपकी थिकनेस 0.075, ठीक है, ये सब मैंने मीटर में लिखा हुआ है, और क्वांटिटी भी मेरी आ गई 1.62। RCC के लिए आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये फुटिंग का मैंने ले रखा है, तो मेरे आगे 10.12 मीटर क्यूब। और ऐसी मैंने कॉलम के लिए ले रखा है, कॉलम को मैंने आपको 600 × 600 का मान लिया है, कॉलम सॉरी 650 × 650 का। और इसकी हाइट निकालने के लिए
इसकी हाइट पता है कैसे निकलेगी? इसकी हमें टोटल डिस्टेंस मालूम होगी 3 मीटर, 75 mm और आपका 500 mm, ठीक है। 300 mm से हम माइनस कर देंगे तो ये मेरी ये आंसर आ जाएगा। जैसे हमने जोड़ा यहाँ पर आपका, ये आपका आ गया 500 mm, ठीक है, ये आ गया आपका 75 mm, ये क्वांटिटी आ गई 575 mm, ठीक है। और ये हमारी टोटल क्वांटिटी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हम कॉलम की हाइट निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है मेरी 300 mm, तो 300 में से आपका 3000 में से 575 हम माइनस करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2425, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर इसकी हाइट लिखी हुई है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो 1.024 m³, ठीक है। इन सारी क्वांटिटी को आप ऐड कर लेंगे और टोटल क्वांटिटी में से आप इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मैंने टोटल क्वांटिटी ये ले रखी है यहाँ पर, ठीक है, और मेरी जो क्वांटिटी आई है वो यहाँ पर आ गई, तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई 77.986 m³। इतनी मिट्टी या इतनी सोयल आपको बैक फिलिंग करना पड़ेगी इन केस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला होता है एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू बैक फिलिंग प्लस डिस्पोजल। हमारी जब दो क्वांटिटी हमें मिल गई बैक फिलिंग की और एग्जीक्यूशन की, तो हम आसानी से डिस्पोजल निकाल लेंगे। डिस्पोजल के लिए मैंने एक्स माना हुआ है यहाँ पर, तो एग्जीक्यूशन टोटल कितना है मेरा 90.75 m³, और मेरा ये जो मेरी बैक फिलिंग लिख ली है 77.98, तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई, ये मैंने अगर कर दिया इसको, ये 12.764 m³, इतना आपका डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी RCC की क्वांटिटी लिख ली है वही आपकी डिस्पोजल की क्वांटिटी लिख ली है, ठीक है। आई होप गाइस कुछ आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसका हम मोज और मोड ऑफ मेजरमेंट, अच्छा आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये वाली चीज़। जैसे कोई भी सॉइल है, ठीक है, फाइन एंड लूज ग्रेवल सॉइल है, ठीक है, मड सॉइल है या किसी भी टाइप की सॉइल है, ये तीन चार टाइप की सॉइल होती हैं। अगर हम उसको एग्जीवेशन मान लीजिए, ये आपकी कोई पिट है, एग्जीवेशन पिट, ठीक है, सॉरी लिफ्ट पिट है ये, ठीक है। जब आप इसकी एग्जीवेशन करेंगे, ठीक है, तो जो जो आपकी सॉइल निकलेगी वो सॉइल सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जैसा जैसे मिट्टी कॉम्पैक्ट रहती है उसका वॉल्यूम अलग रहता है, जो मिट्टी हम एग्जीवेट करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा बड़ा रहेगा। इसका वॉल्यूम अगर हम मान लीजिए, एक सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, ये आपकी 5 m³ की है, ठीक है, ये आपका लिफ्ट फिट 5 m³ का है, तो इसमें से जो हम सॉइल एग्जीवेशन करेंगे तो वो सॉइल आप जब आप उसको वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम उसको कुछ बड़ा नजर आएगा। कैसे? जो हमारी कॉम्पैक्टेड रहती है सॉइल उसका वॉल्यूम अलग रहता है, ठीक है, जो सॉइल हम एग्जीवेट करते हैं उसका वॉल्यूम अलग रहता है। तो वही मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ। तो लूज वॉल्यूम आपका हम कैसे निकालते हैं, तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो लूज वॉल्यूम इज इक्वल टू नेचुरल वॉल्यूम इंटू 1 पॉइंट सॉइल। तो नेचुरल वॉल्यूम मैंने जो आपको पिछले वाली वीडियो में निकाला था 90.75 m³, 30% सॉइल ले लिए मैंने, ठीक है, तो 30 का आपका आ गया 0.3, ठीक है, 1 + 0.3 तो 1.3 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 170.97 m³, इतनी आपकी सॉइल उसका वॉल्यूम चेंज होकर ये वॉल्यूम में आ जाएगा उसका, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।